भगवान श्री राम कैसे रहते हैं। देखो कथा तो हम सब सुनेंगे, लेकिन कुछ चीजें ना हमारे पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए ठहर करके हम बता रहे हैं। हो सकता है आपको समझ में आए कि ये क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए बच्चों वाली बात करनी जरूरी है। राम जी जब अपने भाइयों के साथ रहते हैं ना, तो इकट्ठे बैठकर भोजन करते हैं, उनको कुछ मिलता है ना तो वो शेयर करते हैं, आधा अपने भाइयों में बांट कर उसका सेवन करते हैं। आजकल की कैसी स्थिति है, सबको सेपरेट चाहिए, कमरा भी सेपरेट चाहिए, मोबाइल भी सेपरेट चाहिए, चॉकलेट खरीदना है दुकान से तो भी मेरा अलग चाहिए, सब अलग अलग अलग। और माँ बाप भी बहुत बहुत नासमझ है, बचपन से ही सब कुछ अलग अलग कर देते हैं, तो बड़े होने पर क्या होगा, तुरंत अलग होगा, और माँ बाप के सामने ही कई बार वो अलग हो जाता है। सामने वाले कोठरी में माई रहती है, दूसरे कोठरी में दादा रहते हैं, नीचे छोटका लड़का, ऊपर बड़का लड़का, और बेटी आती तो परेशान रहती, हम क्या करे लग रहे हैं, दरवाजे में बैठ के सबको देखती रहती है। आप लोग संस्कार दीजिए, आपको लगता है ना कि एकल परिवार में बड़ा मजा है, कुछ नहीं मजा है, सजा है। आप साथ रहते हो तो जिंदगी बहुत आसान है, अरे कम से कम देवरानी का अगर सर दुखाई तो जेठानी बहन समान खोले, मतलब वो सर दबाई तेल लगाई, और देवरान रानी का अगर तबीयत खराब है तो जेठान, और जेठानी का तबीयत खराब है तो देवरान। सासू के दूध दूध सेविका मिली है, अलगे भैले पर केहू हाथे में नहीं आई, इसलिए एक साथ रहो। कहीं जा रही हो शादी में अपने नहीं हरे, पता चला अलग अलग हो तो द्वेष है, इसीलिए अलग अलग हो। और चोर आया और शोर भी हुआ, लेकिन निकल के घर से बाहर आपकी जेठान और जेठ निकले नहीं, आज जाने दो, अच्छा हुआ चूना लगे बढ़िया है, तो फिर उनके सामने ही लूट जाएगा पूरा घर, एक बार भी नहीं बोलेंगे, पुलिस जब पूछेगी तो भी नहीं कहेंगे, हम तो सोए थे पता ही नहीं चला। साथ रहोगे प्रेम बना के तो ऐसा नहीं होगा, चिंता फिक्र जीवन में कम होगी। अलग कुछ नहीं सुख है, अलग क्यों होते हैं जानते हैं, एक कमा कमा के लाता है घर का खर्चा चलाता है, और दूसरे के मेहरारू निकाल निकाल के जेबी से फूसती जाती है गोलक के अंदर। अब मजबूरी होता है कि कितना अकेले वो घर का भार सहेगा, एक बचा रहा है दूसरा खर्च कर रहा है, ऐसे बैलेंस नहीं रहता है फैमिली। फिर कहती है कि अजी देखिए सब आप ही खर्च कर रहे हैं, और ओके देखिए ना वो सब छुपा छुपा के बचावल जाती है, तो फिर क्या होगा, फिर एक दिन सब अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर सब लोग अपना अपना जो हिस्सेदारी है वो अदा करें ईमानदारी से, तो फिर प्रेम मोहब्बत घर में बना रहेगा। राम जी से सीख लो आप लोग। हाँ अच्छा ठीक है, मान लो इकट्ठे नहीं रह सकते, अलगे अलगे रहो, कोई बात नहीं भैया, ये जमाना में बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कम से कम जो रिश्ता है उसकी मिठास तो बरकरार रखो, लड़ो भिड़ो सब करो, लेकिन भाई भाई जब बगली में बैठे तो ई न लगे कि इनके बीच में दरार है, जहां हक की बात आएगी तहां हक के लिए लड़ेंगे। हाँ लेकिन जहां रिश्ते की बात है तो तनिक भी नहीं लगेगा कि उन दोनों में दरार है, उन दोनों में मनमुटाव है, ऐसा अपने आप को बना के रखिए। राम जी भाइयों के साथ जब खेलते हैं ना, तो छोटे भाई से वीर नहीं बनते हैं, जीतते हुए स्थिति में राम जी हार जाते हैं, और छोटे भाई ताली बजा के खूब खुश होते हैं, भैया हार गए भैया हार गए। छोटे आदमी से कोई बड़ा आदमी हार जाए, चाहे वो गांव का चुनाव हो चाहे खेल का मैदान हो, तो बड़ी मुश्किल होती है, पर राम जी के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो तो जानबूझ के हार रहे हैं ना अपने भाई की खुशी के लिए। कई बार बड़े भाई
सच में बताएं, जब बड़े भाई की बात आती है ना, सबसे ज्यादा संकट बड़े भाई के कंधे पे रहता है। सब कोई कहता है तू तो बड़ भाई है भाई, तो कहते समझे चाहिए, तू तो घर का बड़की बहू हो, तो वहीं तनी मानी जा, और मानना भी चाहिए ना, पर छोटे को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगला झुक रहा है तो उसको झुका झुका के उसकी कमर मत तोड़ दो, उसको संभालो, उसको प्यार करो, उसको स्नेह दो, तब रिश्ता टूटता नहीं है। रोज 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 राम जी उठ करके अपने माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं। अब बताओ कौन, कितने लोग हैं हाथ उठा के, नहीं उठाना, बेइज्जती बहुत भयंकर हो जाएगी आपको। उपाध्याय जी कैमरे में शूट भी कर रहे हैं। बहरा के मेहरारो, बहरा के रिश्तेदार, सबके 20 बार नमस्ते करिए। आज ऑफिस में जाइए तो मैडम नमस्ते, मैडम नमस्ते, मैडम नमस्ते, निकलते समय मैडम नमस्ते, माई के कितना बार करते हैं नमस्ते, कम से कम एक बार तो कर लीजिए। सबकी बात कर रहा हूँ, बड़े वाले मैडम की नहीं, ये बच्चे वाले जो लोग हैं छटंकी लोग, सब सुबह सुबह उठ करके नमस्ते करना अपने माता पिता को। देखो फायदा है, एक फायदा मैं बताता हूँ, मान लो तुमने शाम को कोई गड़बड़ काम कर दिया ना, और मम्मी माता पिताजी खूब नाराज हैं, इतने नाराज है कि तुमसे बात भी नहीं करेंगे, और 2-4 रुपया मांगोगी खर्च के लिए तो देने वाले नहीं है, इतने नाराज है। सुबह उठ करके जाओगी और पैर छुओगी ना, तुम्हें लग रहा है वो सोए हैं, जैसे तुम छुओगे ना वैसे उठ जाएंगे, उनकी आंखें खुल जाएंगी, और फिर नाटक किए रहेंगे, नहीं नहीं हम सोए हुए हैं, और तुम पर खुश हो जाएंगे। इसलिए अपने माता पिता से खूब प्यार करो। हाँ नहीं, हम तो बहुत प्यार करते हैं, नमस्ते करना जरूरी है क्या? तो पता कैसे चलेगा? दिल में प्यार रखने से प्यार नहीं पता चलता, प्यार को दिखाना भी जरूरी है। और फिर आप अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे पिताजी लोग, तो बच्चे भी अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे, फिर उनके बच्चे भी करेंगे, फिर उनके बच्चे भी करेंगे, फिर उनके बच्चे भी करेंगे, क्योंकि जब बड़े लोगों को छोटे बच्चे देखते हैं ना, तो सब अधिक से अधिक चीजें उन्हीं से सीखते हैं, उनके आचरण से सीखते हैं। पर अभी बड़े लोग क्या करते हैं, बच्चों के सामने पहले तो खैनी निकालेंगे चुनौती से, और फिर चूना कहे बेटा तेन चूना ले बे, अब मसल के उसी के सामने ठोकेंगे, ओकरे नाक में घुसेगा, वहीं से अमल शुरू हो जाता है। जब दादा को देखता है, बाबा को देखता है चूना सुरती रगड़ते हुए, तो सोचता होगा कैसा लगता होगा ना जब कोट के नीचे दबाते हैं। तो एक दिन चुराता चुनौती से सुरती, अब इतना सुरती में तनी सा निकल जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा बाबा, कोई सोना चांदी थोड़े ना है। तो फिर एडिक्ट हो जाते हैं, एडिक्ट मतलब आदि हो जाते हैं। आप लोग थोड़ा अकल से काम करिए, जितने बड़े बुजुर्ग हैं और अभिभावक लोग हैं, कभी भी सिगरेट सुरती खैनी खा के घर में मत आओ, नहीं तो आपके जेब से निकालेगा और कहोगे 5 पुड़िया दिए कहाँ गायब है, तो हम का जानी कहले भी भुला गए, खा के भूल गए होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मजाक मजाक में जो बातें कह रहे हैं, इसके पीछे एक भाव है। जो गुटखा खाता है ना, वो कम से कम 20 रुपए का गुटखा खाता है, और सिगरेट पीता है तो फिर 50 रुपए तक चला जाता है। 50 रुपए में कम से कम 1 लीटर दूध मिल सकता है ना, आप घर में उस दूध को खरीद के लाओगे तो थोड़ा आपको भी मिलेगा, थोड़ा आपके बच्चों को मिलेगा, आपके बच्चे हृष्ट पुष्ट होंगे। नहीं दूध लाना है तो किसी दिन जलेबी लाओ, किसी दिन रबड़ी लाओ, किसी दिन दही लाओ, बच्चे भी खुश होंगे कि अच्छा हमको भगवान ने माता पिता दिया है। और नहीं तो सुरती उरती खा करके सब पैसा बर्बाद करोगे तो एकदम डिप्रेस रहेंगे, मतलब उनको अच्छा नहीं लगेगा। समझ में आई बात ना? तो बड़े लोग कान पकड़े मन ही मन में कि कभी भी घर में बच्चों के सामने कुछ नहीं खाएंगे उल्टा सीधा,
और आप लोग अम्मा लोग सच में बताए ना, मतौनी के बहुत सारे लोग हैं और दूसरे गांव की 10-20 लोग होंगी, तो सब लोग अपना एक टीम बना लो ना। हाँ, भ्रष्टाचार निरोधक टीम। हाँ, और जो लोग उल्टा पुल्टा काम करके घर में आते हैं ना, तो फिर उनकी बरसाने की जो स्टाइल में लठमार होली होती है ना, ठोकाई करो बढ़िया से, फिर सुधर जाएंगे जितने लोग हैं।